रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अम्लों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है।
और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस कासा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात
भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।